नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद आरिफ स्वागत करता हूं आप सभी का इम्पेटस नर्सिंग एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ के चल रहे थे ब्लड, ठीक है, अभी तक आपने हमने पढ़ा ब्लड, ब्लड के बारे में जनरली, इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। कंपोजिशन के बारे में पढ़कर इसके बारे में जो भी आपके प्लाज्मा था, सीरम लेवल था, जो सारी चीजें थी, ये सब अपन ने डिस्कस की। नेक्स्ट आज हम पढ़कर चलते हैं आपका ब्लड के अंदर ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या पढ़ के चल रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जैसा कि मैंने कल बताया था, फॉर्म्ड एलिमेंट्स नाम से आपको फील होना चाहिए। फॉर्म का मतलब बनाना, ठीक है, फॉर्म का मतलब बनाना, और फॉर्म का मतलब जो बने हुए हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो शरीर में बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जैसे कि कल आपको बताया गया था ब्लड है, ठीक है, और ब्लड दो पार्ट में आपको डिवाइड किया गया था, प्लाज्मा एक था, प्लाज्मा और एक थी फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। जो भी आपका लिक्विड पोर्शन था उस चीज को आपने क्या कहा था? प्लाज्मा। और उसके अलावा जो आपकी ब्लड सेल्स थी उन ब्लड सेल्स को आपने क्या कहा था? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या कहा था जी? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या देखने को मिलते हैं आपको? तीन टाइप की ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ब्लड सेल्स में क्या क्या आएगा आपके लिए? ब्लड सेल्स में आपके तीन टाइप के सेल्स आती है, जिसमें कि आप देख के चलें, सबसे पहली आती है आपके लिए आरबीसी, दूसरी चीज आती है आपके लिए डब्ल्यूबीसी, और तीसरी चीज आती है आपके लिए प्लेटलेट्स। कौन सी आती है? प्लेटलेट्स, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर फुल फॉर्म देखना चाहें, बात करना चाहें, तो आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल्स। सेकंड आती है व्हाइट ब्लड सेल्स, या उनको बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तीसरी आती है आपकी प्लेटलेट्स। अगर बात करें इनकी एनाटॉमिकल टर्म्स की, तो आरबीसी को आप कह सकते हैं, आरबीसी को आप कहकर चल सकते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोल सकते हैं? एरिथ्रोसाइट, क्योंकि जो वर्ड एरिथ आता है, ERYTH, एरिथ जो वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? रेड। वर्ड एरिथ का मीनिंग क्या होता है? रेड, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट ऐसी साइट, और साइट का मतलब आप खुद को पता है कि साइट का मतलब क्या होता है? आपका सेल, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग क्या हुआ एरिथ्रोसाइट का? कि ऐसी सेल्स जिनका कलर क्या होता है? रेड होता है। और कल आपने पढ़ा था कि एरिथ्रोसाइट रेड क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ एरिथ्रोसाइट इज रेड। और एरिथ्रोसाइट सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है ब्लड में, इसीलिए ब्लड का कलर भी कैसा होता है? रेड, ठीक है। उसके बाद में दूसरी पढ़ के चलते हैं अपन डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी जो होती है सेल्स, उन्हें आप क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। और जनरल इनको आप क्या बोल के सकते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं जी? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब अगर ल्यूकोसाइट हो गई, उसके बाद में आती है प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को आप क्या बोल के सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट जो होती है वो कौन सी होती है? आपकी प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। अब यहीं पे पढ़ते हैं कि इनका नॉर्मल अमाउंट कितना होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ब्लड, और ब्लड दो पार्ट, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जो प्लाज्मा था वो कितना था टोटल ब्लड का? 55%। कितना था जी? 55%। कितना था? 55%। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 45%, ठीक है। तो जो 45% है उनमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का कितना कितना पोर्शन होता है वो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। इरिथ्रोसाइट जो आरबीसी है सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है, और नॉर्मली इसका अमाउंट कितना होता है? 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। कितनी होती थी? 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। और ये किसमें होती है? एक एडल्ट मेल में। किसमें होती है जी? एक एडल्ट मेल में। अगर बात करें एडल्ट फीमेल की, तो ये काउंट थोड़ा सा कम होकर कितना हो जाता है? 4 से 4.9 मिलियन पर
मिलियन पर क्यूबिक, ठीक है। एडल्ट मेल में 4.5 to 5.5 और एडल्ट फीमेल में 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है आपकी 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक एमएम, कितनी होती है 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक एमएम। और अगर बात करें आप प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स कितने होते हैं आपके 1.5 to 4.5 लैक्स, 1.5 to 4.5 लैक्स पर क्यूबिक एमएम, कितनी होती है 1.5 to 4.5 पर क्यूबिक एमएम, ठीक है। तो ये जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है आपका आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, कि इनको दूसरे नाम क्या बोले जाते हैं, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी लिकोसाइट, और इनका काउंटिंग कितना कितना होता है, ठीक है। अब इसमें अपन देख के चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी, किसकी बात करते हैं आरबीसी, और आरबीसी का नाम दूसरा अपन ने बताया, बता के चलते हैं अपन इरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो आरबीसी है, आपको पता है आपकी जितनी भी ब्लड सेल्स है, तीनों टाइप की ब्लड सेल्स हैं, कहाँ बनती है ये बोन मैरो में, कहाँ बनती है बोन मैरो में, ठीक है। तो बोन मैरो में जब ये बनती है तो आरबीसी जब बनती है तो आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को आप बोलते चलते हैं इरिथ्रोसिस, क्या बोलते हैं इरिथ्रोसिस, ठीक है। अब जब डब्ल्यूबीसी होती है तो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को आप बोल के चलते हैं ल्यूकोपोएसिस, और जब प्लेटलेट्स की बात आती है तो जो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन थ्रोम्बोपोइसिस, क्या बोलते हैं जी थ्रोम्बोपोइसिस। डब्ल्यू आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोपोइसिस और प्लेटलेट थ्रोम्बोपोइसिस होती है। और अगर इन तीनों ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को अगर आप इकट्ठा पढ़ते हैं, एक जगह पढ़ते हैं, तब इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं हीमोपोइसिस, क्या बोलते हैं जी हीमोपोइसिस, ठीक है। क्या बोल के चलते हैं अपन हीमोपोइसिस, ठीक है। तो आरबीसी की फॉर्मेशन इरिथ्रोपोइसिस, अब नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं आरबीसी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आरबीसी की, आप शेप क्या होती है, आरबीसी की शेप होती है बाइकोनकेव, कैसे होती है जी बाइकोनकेव, बाइकोनकेव का मतलब दो तरह से कॉनकेव की तरफ भी, ठीक है। अगर बात करें जस्ट जनरली तो आपकी ये आरबीसी की साइज कैसी होती है एकदम सर्कुलर, अगर आप ऊपर से देखते हैं तो कैसे होती है सर्कुलर, और सर्कुलर में क्या होगा जो एजेस होते हैं, जो किनारे होते हैं, ठीक है। किनारे कैसे होते हैं थिक होते हैं, ठीक है। किनारे कैसे होते हैं थिक होते हैं, और ये एजेस, ठीक है, किनारे इसके थिक हैं, और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे ये थिकनेस क्या होती जाएगी कम होती जाएगी, थिकनेस क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। अगर ये ऊपर से आप इसको देख रहे हैं, अगर इसी व्यू को मैं आप आरबीसी का क्रॉस सेक्शन करके बताऊं तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसी शेप आपको नजर आएगी, मतलब कि जो एजेस हैं, जो किनारे हैं वो कैसे होते हैं थिक होते हैं, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है इसका थिन होता है, ठीक है। बीच वाला पार्ट अगर कॉनकेविटी में बात करें तो बीच वाला पार्ट कैसा होता है कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, और जो एजेस होते हैं किनारे होते हैं वो कैसे होते हैं कॉन्वेक्स, कैसे होते हैं जी कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर बात करें इसके डायमीटर की तो डायमीटर कितना होता है इसका 7.2 माइक्रोमीटर, कैसा होता है 7.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो शेप की बात करें बाइकॉनकेव शेप होती है, बाइकॉनकेव के अलावा अगर बात करें तो कैसी शेप होती है डबल शेप, कैसी होती है डबल शेप। अच्छा ये जो बाइकॉनकेविटी होती है तो इस बाइकॉनकेविटी का फायदा क्या होता है, बाइकॉनकेविटी क्यों होती है, क्योंकि बॉडी में आपके जो भी पार्ट है शेप है हर चीज का कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ रियलिटी होती है, ठीक है। तो बाइकॉनकेविटी के पीछे एक कुछ रीजन होता है तो वो अगर देख के चले तो एक तो क्या होता है कि जब बाइकॉनकेविटी होती है, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है प्लेट लॉक, ठीक है, एक नॉर्मल सरफेस की प्लेट ली हमने, नॉर्मल सरफेस की प्लेट ली तो इस पे कम अमाउंट में कोई भी चीज आएगी, लेकिन अगर इसी चीज को आपने बीच में गड्ढा करके ले लिया, कैसे कर लिया गड्ढा करके ले लिया, तो उसमें आप बहुत सारा अमाउंट कुछ क्या कर सकते हो अंदर डाल सकते हो, उसमें अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो बायोकॉनकेविटी क्या करती है कि गैसेज का
मोर गैसेज क्या करती है, मोर गैसेज अपने साथ बाइंड करके लेकर जाती है, और गैसेज अपने साथ बाइंड करके लेकर जाती है तो आरबीसी में क्या भी पाया जाता है, आरबीसी में क्या पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है जी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, एजेंस पे। अगर आरबीसी की बात करें तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, एजेंस पे पाया जाता है, और एजेंस पे कम कहाँ पाया जाता है, सेंटर पार्ट पे। तो ये बायोकॉन्टिन्यूटी की सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है टू carry more oxygen, to carry more oxygen, second to carry more hemoglobin, to carry more hemoglobin, और तीसरा सबसे important कि easily squeeze in blood, easily squeeze in, easily squeeze in blood, ठीक है। अच्छा सीधी सी बात यह है कि अगर भीड़ भाड़ में कहीं चल रहे हो तो मोटे आदमी उसको बेचारे को चलने में परेशानी होगी, ठीक है, और पतला सा आदमी टेढ़ा सा होकर तिरछा सा होकर निकल जाता है। तो ये बाइकॉन्क्यूटी जो इसकी शेप होती है वो इसी चीज में हेल्पफुल होती है कि ये जो होती है, ठीक है, डंबल शेप होती है, वो कहीं से भी निकल के बीच में से इजिली स्क्वीज कर जाती है, कहाँ पे, आपके ब्लड में, आपकी ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो शेप कैसी होती है बाइकॉन्क्यू, और बाइकॉन्क्यू किसमें, बायोकॉन्केविटी किसमें हेल्प करती है अपने ये देख के चला, ठीक है। अच्छा इसके डायमीटर तो कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर, कितना होता है 7.2 माइक्रोमीटर। सर एक चीज ये होती है कि इनकी जो यहां नेक्स्ट में बढ़ते हैं अपन, आरबीसी अभी हो गए नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क होती है, क्या होती है नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। अच्छा जी ये नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हुआ, नॉन का मतलब नहीं है, न्यूक्लिएटेड का मतलब न्यूक्लियस और डिस्क का मतलब डिस्क, ठीक है। क्योंकि आपने देखा शेप कैसी है, सर्कुलर, ठीक है, तो सर्कुलर कोई भी चीज होती है उसको आप डिस्क बोल के चल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क तो समझ में आ रही है, नॉन न्यूक्लिएटेड का मतलब कि आरबीसी एक ऐसी सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी क्या होती है, ऐसी सेल होती है जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी बॉडी हुई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं जी एब्सेंट होते हैं। अच्छा ये एब्सेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इन सब की जगह, इन सब की जगह आरबीसी में एक स्पेशल एलिमेंट पाया जाता है जिसे आप क्या बोल के चलते हैं, हीमोग्लोबिन, क्या बोल के चलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन आप क्या करता है, हीमोग्लोबिन कैरीज द ऑक्सीजन, क्या करता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, और ऑक्सीजन को कैरी करने के अलावा आरबीसी को और पूरे ब्लड को क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है, क्या करता है रेड कलर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर देखें आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन, प्रोटीन के साथ फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन प्रोटीन के साथ फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड के साथ इसमें कुछ आपके क्या पाए जाते हैं फैट मॉलिक्यूल्स, क्या पाए जाते हैं फैट मॉलिक्यूल्स भी कहाँ पाए जाते हैं आपकी जो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है इस पर पाए जाते हैं, ठीक है। आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पे ये सारी चीजें क्या होती है पाई जल्दी, ठीक है। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन के साथ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के साथ फैट मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा ये क्या होती है, ये क्लू होती है, क्योंकि जो आपकी आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, हाईली सेलेक्टिव परमीएबल, कैसा होता है हाईली सेलेक्टिव परमीएबल, हाईली सेलेक्टिव परमीएबल का मतलब, हाईली का मतलब बहुत ज्यादा, सेलेक्टिव का मतलब, सेलेक्टिव परमीएबल का मतलब सेलेक्शन होके परमिशन उसको मिलती है, ठीक है। तो सेलेक्टिव परमीएबिलिटी का मतलब जिन चीजों को अंदर आना है, जिन चीजों को अंदर आना कंपलसरी है, सिर्फ वही चीजें अंदर आ सकती है, सारी चीजें अंदर नहीं आ सकती, मतलब आरबीसी के अंदर आने के लिए बहुत सिक्योरिटी से आना पड़ता है। सिक्योरिटी कौन बनाता है, यही प्रोटीन, यही फॉस्फोलिपिड, और यही सारी चीजें क्या बनाकर चलती है आपकी, सारी बनाकर चलती है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि आरबीसी में नॉर्मल, आरबीसी में वेरिएशन कैसे आ सकते हैं, आरबीसी में वेरिएशन कैसे आ सकते हैं। अच्छा वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कि वेरिएशन का होना ऊपर होना या
नीचे होना, ठीक है। ऊपर नीचे का मतलब या तो आरबीसी का काउंट क्या होना, डिक्रीज होना, या आरबीसी का काउंट इंक्रीज होना। क्या होना, या तो काउंट डिक्रीज होना या काउंट क्या होना, इंक्रीज होना, ठीक है। अब इसको भी आप दो तीन तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक तो क्या होगा, फिजियोलॉजिकल, क्या होगा जी, फिजियोलॉजिकल, और दूसरा क्या होगा आपका, पैथोलॉजिकल। क्या होगा, पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब ऐसा, ऐसे वेरिएशंस जो आपके नॉर्मल बॉडी रिस्पॉन्स की वजह से आ रहे हैं और बिना कुछ किए वो वापस अपने आप सही हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आप, नॉर्मल या फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल आरबीसी वेरिएशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल का मतलब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, एक आता है इसमें डायअर्नल वेरिएशन, ठीक है। उसके अलावा पढ़ते हैं अपन जेंडर, उसके अलावा पढ़ते हैं अपन एज, ठीक है। अच्छा, डायअर्नल का क्या मतलब होता है, डायअर्नल का सीधा सा मतलब होता है सुबह शाम। डायअर्नल का मतलब क्या होता है, सुबह और शाम, ठीक है। तो आरबीसी काउंट जब आप सो रहे हो, आरबीसी काउंट क्या होता है कि जब आप सो रहे हो तब आरबीसी काउंट क्या होता है, बहुत कम होता है। अच्छा, बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि अच्छा आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, O2 को कैरी करना। जब बॉडी आप सो रहे हैं, बॉडी स्लीपिंग मोड पे है, बॉडी रेस्टिंग मोड पे है, तो मतलब ऑक्सीजन डिमांड बहुत कम है। ऑक्सीजन डिमांड क्या है, बहुत कम है। तो अगर ऑक्सीजन डिमांड कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसी भी अपने आप कम होगा, ठीक है। तो डायअर्नल का मतलब जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है तब आरबीसी क्या होती है, आरबीसी का लेवल क्या होता है, एकदम कम होता है, कम होता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें अपन जेंडर, जेंडर मतलब मेल और फीमेल, क्या होता है, मेल और फीमेल। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली में आपको बताया था कि मेल में आरबीसी काउंट कितना होता है, 4.5 टू 5.5,